हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली कॉमोडिटी। तो आज हम बात करने वाले निकल कॉमोडिटी के बारे में। आपको निकल कॉमोडिटी में आप जब निवेश करते हो या इन्वेस्ट करते हो तो आपको कौन कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान रखने चाहिए, मार्केट की कंडीशन किस तरह की होनी चाहिए, आपको कौन से जो फैक्टर्स है उसको ध्यान रखने चाहिए वो बात करेंगे। और जो निकल की जो ट्रेडिंग होती है जैसे कि CFD फंड, ETF फंड, ऑप्शंस, फ्यूचर्स, उन सब में मार्केट में निकल किस तरह से ट्रेड होता है, तो उन सब चीज़ों के बारे में हम ये वीडियो में जानेंगे। सो आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को डेली कॉमोडिटी को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आपके सामने हर कॉमोडिटी का जो एनालिसिस होता है, इंटरप्रिटेशन होता है, किस टाइम में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, किस टाइम से आपको उसमें से एग्जिट होना चाहिए, हो जाना चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में आपको डिटेल एनालिसिस बताएंगे। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम देखेंगे हाउ व्हाई ट्रेड निकल कॉमोडिटी। आप जब इन्वेस्ट करते हो तो आपको उसमें इन्वेस्ट करना है तो आपको कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो सबसे फर्स्ट रीज़न है वो है बेट ऑन स्टेनलेस स्टील डिमांड। हाँ, तो हम बात कर लेते कि स्टेनलेस स्टील की जो डिमांड है मार्केट में, अगर समझ लो वो ज़्यादा हो जाती है तो जो निकल कॉमोडिटी होती है उसकी जो मार्केट में डिमांड होती है वो कम हो जाती है। क्योंकि सिंपल सी बात, जो निकल का जो सब्स्टिट्यूट है वो है स्टेनलेस स्टील, तो अगर समझ लो जो स्टेनलेस स्टील की जो कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस होगी वो एकदम से ज़्यादा बढ़ जाती है, तो लोग क्या करेंगे, उसको छोड़ के निकल कॉमोडिटी में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे या निकल कॉमोडिटी के फ्यूचर्स बाय करेंगे। तो उस टाइम आपको ध्यान रखना चाहिए कि किसका ओपन इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है या कम है, तो उसके हिसाब से आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। सेकेंड जो रीज़न निकल कर आता है वो है इन्फ्लेशन एंड वीक US डॉलर हेज। अगर समझ लो मार्केट में इन्फ्लेशन चल रहा हो तो इन्फ्लेशन के टाइम क्या होता है, जो निकल कॉमोडिटी है वो आपको एक इज अ हेल्पफुल आपको बनता है। क्योंकि सब क्या होता है, जब US डॉलर की जब मार्केट में जो प्राइस होती है वो अगर समझ लो घट जाती है तो जो निकल कॉमोडिटी होती है उसकी जो प्राइस है, प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें आपको इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलता है। और उससे वाइस वर्सा अगर समझ लो US डॉलर स्ट्रांग बनता है ग्लोबल लेवल पे, तो जो निकल कॉमोडिटी का जो कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस चल रहा है उसमें आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है फॉर सर्टेन परसेंटेज के लिए। और जो थर्ड रीज़न है वो है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। जैसे कि आप समझ लो कोई भी कॉमोडिटी में आप इन्वेस्ट करते हो तो जो फर्स्ट रीज़न और जो मेन रीज़न आपको देखने को मिलता है वो होता है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। इसका मतलब क्या होगा, अगर आप समझ लो बुलियन कॉमोडिटी में आप निवेश करते हो, जैसे कि समझ लो गोल्ड, बुलियन के अंदर आता है गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, तो आप उन तीनों में से आप समझ लो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो, तो आप जो नॉर्मल मेटल्स बचे जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, लीड हो गया, लिथियम हो गया, निकल हो गया, तो उन सब के अंदर से भी आप समझ लो निकल कॉमोडिटी में आप इन्वेस्ट करते हो, या एग्रीकल्चर कॉमोडिटी में आप दो कॉमोडिटी में इन्वेस्ट करते हो, तो उसके अंदर क्या होता है, पोर्टफोलियो आपका जो भी होता है कॉमोडिटी के रिलेटेड वो एकदम से डाइवर्सिफाइड हो जाता है। तो निकल कॉमोडिटी भी एक ऐसी कॉमोडिटी आपको पोर्टफोलियो को आपको डाइवर्सिफाइड करने में आपको मदद करता है। अब हम देखेंगे कि मार्केट में जो भी ट्रेडिंग होती है निकल कॉमोडिटी की तो वो किस तरह से होती है। तो सबसे पहले जो है वो ट्रेडिंग स्टाइल है वो है हाउ टू ट्रेड निकल CFD, डेट इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंसेस। मैंने आपको हर वीडियो में बोला है, वैसे ही मैं अभी बोलूंगा कि CFD अभी के टाइम के हिसाब से अमेरिका डेट इज USA में अभी ट्रेड नहीं होते, डेट इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस बहुत ही अच्छा फंडामेंटल है डेट इज CFD का। डेट इज अगर आप समझ लो कोई भी करंट या कोई भी XYZ अमाउंट पर आप उसको बाय करते हो तो जब तक वो टर्म पीरियड के एंड तक, अगर समझ लो जब तक उसका प्राइस वो प्राइस से ऊपर रहेगा तब तक आपका प्रॉफिट होगा, और उस प्राइस से नीचे आएगा तो आपका उसमें लॉस होगा। CFD एक मतलब इस तरह का एक पूरा सिस्टम बना होता है, उसके अंदर कि आप ऑप्शंस को, फ्यूचर्स को एक तरह के हेजिंग पर हेज की तरह से आप उसको मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। हाउ टू ट्रेड निकल बुलियन, जैसे कि आप समझ लो गोल्ड का बुलियन या फिर सिल्वर के बुलियन, जैसे कि आप समझ लो फिजिकल गोल्ड बाय करते हो मार्केट से सस्ते दाम में, और मार्केट में जैसे उसका प्राइस बढ़ता है 10,000 20,000 जैसे ही बढ़ता है आप उसको मार्केट में सेल कर देते हो, तो उसी तरह सेम उसी तरह आप निकल को भी आप मार्केट से बाय कर सकते हो। उसके अंदर क्या, जैसे कि द अमेरिकन निकल कॉइन कंटेन ऑलमोस्ट 25% से 75% कॉपर उसके अंदर पाया जाता है। तो फैक्ट या इंटरेस्टिंग बात क्या है, अगर समझ लो किसी शॉप के पास या फिर कोई बड़ी सी एंटिक शॉप है उसके पास अगर समझ लो जो निकल का जो कॉइन का जो जो भी होता है, मतलब क्या बोलते हैं पूरा सेट होता है, अगर समझ लो बहुत ही ज़्यादा हो और बाय चांस कोई दूसरी कंट्री ने अगर उसको ज़्यादा खरीद लिया हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा बल्क में, जो कॉपर की जो डिमांड होगी एक कंट्री के फ्यूचर्स के अंदर वो कम हो सकती है, तो उसके थ्रू भी मार्केट में फ्लक्चुएशंस आ सकता है। अगर नॉर्मल भाषा में बोलूँ तो अगर आप समझ लो मार्केट से, लाइव मार्केट से आप निकल को बाय करते हो एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर, अगर उसका प्राइस मार्केट में बढ़ जाता है तो आप उसको जो NCX या फिर इंडिया की बात करो तो MCX या NCDX उनके पास जाते हो और अपना जो भी फिजिकल निकल है आपके पास वो देते हो, और उसका जो भी प्राइस होता है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आप उसको प्रॉफिट आपको मिल जाता है।
हाउ टू ट्रेड निकल फ्यूचर्स। जैसे कि मैंने आपको फ्यूचर्स के बारे में आपको पहले ही बता दिया, फ्यूचर्स होता क्या, एक प्री डिटरमाइंड प्राइस के ऊपर आप बिड करते हो कि उससे मार्केट ऊपर जाएगा तो आपका उसमें प्रॉफिट होगा, तो आप एक पर्टिकुलर प्राइस पे बिड करते हो। फॉर एन एग्जांपल 1 दिसंबर चल रहा है, आप 20 दिसंबर का आप फ्यूचर बाय करते हो कॉन्ट्रैक्ट की उस तारीख तक, उसका जो प्राइस है वो 1200 होगा। अगर 1200 हो जाता है तो आप उसमें उसको नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, आपने वही प्राइस में आपने बिड किया हुआ। बट 1200 से जितना भी ऊपर जाता है प्राइस, फॉर एन एग्जांपल हम लोग 1500 या 1600 जाता है, तो 1600 माइनस 1200 इज 400 का आपका जो प्रॉफिट होगा, आपको डिडक्ट करके जो भी होता है वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा अगर आप निकल फ्यूचर में इस तरह से इन्वेस्ट करते हो। तो उसी तरह अगर 1200 से जितना वो नीचे जाता है तो उतना आपका लॉस आपको बेयर करना पड़ता है। हाउ टू ट्रेड निकल ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स, दैट इज जो भी आप सब आपको जैसे कि पता कि ऑप्शंस ऑन फ्यूचर मतलब कि ऑप्शन आपको एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर आपको मतलब दे देता है कि उससे जितना नजदीक जाएगा उतना आपका प्रॉफिट होगा, रिगार्डलेस ऑफ जो भी टाइम वैल्यू डीके होती है। अगर वो आपको नड़ गया तो उसका आपको ज्यादा डिफॉल्ट आपको उसमें देखने को मिल सकता है। बट निकल्स दैट इज ऑप्शन ऑन फ्यूचर्स मतलब क्या, एक आप पर्टिकुलर प्राइस पे आप सिग्नल देते हो कि उस वो प्राइस तक जाएगा, तो उससे अगर जितना ऊपर जाता है वो आपका प्रीमियम वैल्यूएशन या आपको प्रीमियम वैल्यूएशन उसमें आपको प्रॉफिट ज़्यादा देखने को मिल सकता है। अगर उससे आप उल्टा खेलते हो, आप 1200 का कॉल बाय करते हो बट उसका जो प्राइस है वो बहुत ही नीचे चला जाता है एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस से भी नीचे, तो आपको आपने जितना भी प्रीमियम पे किया है वो आपका लॉस हो सकता है, उससे ज़्यादा आपका लॉस नहीं हो सकता। और जो ETF है मार्केट में, आप निकल जो ETF होते हैं मार्केट में वो आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि गोल्ड का ETF होता है, सिल्वर का ETF फंड होता है, उसी तरह सेम निकल के भी मार्केट में ETF फंड्स अवेलेबल होते हैं। तो उसी तरह से अगर आप निकल के ETF फंड में आप निवेश करते हो तो उसकी तरह आप मार्केट में लाइव मार्केट में आप 5 मिनट बाय करके 5 मिनट में सेल करके उसको स्क्वायर ऑफ भी कर सकते हो। और निकल के स्टॉक की बात करूँ तो ऐसे मार्केट में बहुत सारे निकल के स्टॉक्स होते हैं, जैसे कि माइनिंग कंपनी हो गई जो टोटली डिपेंड होती है निकल की माइनिंग के ऊपर। तो अगर आप समझ लो निकल के माइनिंग के ऊपर अगर समझ लो बहुत ही खराब माइनिंग चल रही है उस टाइम पर आप इन्वेस्ट करते हो और आपको लगता है कि नहीं अगले क्वार्टर वो कंपनी अच्छा प्रॉफिट या अच्छी माइनिंग करेगी तो उसके थ्रू कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट मार्केट में आएगा और उस टाइम शेयर की जो प्राइस है वो बढ़ सकती है, तो आप क्या करते हो वो टाइम पे उसमें निवेश करते हो, तो जैसे ही उसका जो प्राइस बढ़ता है तब आप उसमें से एग्जिट ले लेते हो और प्रॉफिट करके अपने आपको स्क्वायर ऑफ कर देते हो। सो होप करता हूँ कि आपको जो निकल कॉमोडिटी का हमने अभी जो एनालिसिस किया, दैट इज ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, आप किस तरह से मार्केट में CFD ETF फंड्स या कोई भी फ्यूचर्स ऑप्शन में आप मार्केट में बाय और सेल कर सकते हो, उस तरह का आपको अच्छे समझ गया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आपको कोई भी ये वीडियो के रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।